हमारे गांव में लड़कियां इतनी कम क्यों हैं? अरे वाह मैडम, टेस्ट कराने आप आई हैं और सवाल भी आप ही कर रही हैं। ये सब आप लोगों की वजह से तो होता है। मतलब? खैर छोड़िए इन सब बातों को, तीर निशाने पर लगा ही नहीं। क्या लड़की है? आज ऐसे विज्ञापन देखने को भले न मिले, लेकिन चोरी छिपे ये काम अब भी चल रहा है। इन अपराधियों के चेहरे से नकाब हटाने का काम करती हैं ये महिला, जो खुद एक बेटी की माँ है और दूसरी बार माँ बनने जा रही हैं। ये प्रशासन के साथ मिलकर उन लोगों को पकड़वाने का काम करती हैं, जो गैर कानूनी तरीके से कोख में बेटियों को मार देते हैं। इन्होंने खुद एक कागज पर लिख कर दिया है कि अगर इनकी दूसरी लड़की हुई तो ये उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगी। मेरी एक 2.5 साल की बेटी है और अगर मेरे को दूसरी भी बेटी होती है तो मैं उसको भी उतना ही प्यार दूंगी जितना मैं अपनी पहली बेटी को देती हूँ। मेरे लिए लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है और मैं उन महिलाओं को भी यही बताना चाहती हूँ कि लड़का लड़की में फर्क ना करे। पिछले करीब 4 साल से हरियाणा प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत अपने आंकड़ों में सुधार लाने के लिए कमर कस ली है। हरियाणा प्रशासन ने पिछले 3 साल में PNDT और MTP कानून का उल्लंघन करने वालों पर 590 से ज्यादा FIR दर्ज की हैं। हमने इससे पूरे इंटायर 3 साल में अब मैंने 40 रेड लगाई, टोटल 46 रेड, 34 है हमारी PNDT की और 12 है MTP की, तो जिसमें 36 है उसमें 24 जो रेड हैं वो आउट ऑफ स्टेट है और आउट ऑफ स्टेट सारी हमारी सक्सेसफुल रेड रही। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। इस योजना के पहले चरण में देश भर से 100 जिलों को चुना गया था, जिसमें 87 जिले ऐसे थे जहां चाइल्ड सेक्स रेशो 918 से कम था। 8 जिले ऐसे थे जहां संख्या 918 होने के बावजूद लगातार घट रही थी और 5 ऐसे थे जहाँ सेक्स रेशो 918 से ज्यादा था। ये 5 जिले इसलिए चुने गए कि बाकी के 95 इनसे कुछ सीख सकें। अकेले हरियाणा के 12 जिले थे जहां स्थिति बेहद खराब थी, जिसमें से सोनीपत भी एक था। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहती है तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। ये योजना कभी सफल नहीं हो सकती थी अगर इसमें बेटी के उज्जवल भविष्य के बारे में नहीं सोचा जाता। तभी बेटी बचाओ के साथ बेटी पढ़ाओ भी जुड़ा। सरकार ने पहले तो इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा। इसमें जन्म से पहले लिंग जांच को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया गया। हालांकि ये कानून तो 90 के दशक में ही बन गया था और इस कानून यानी प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PNDT एक्ट 1996 के तहत अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को 3 से 5 साल सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने की सजा का प्रावधान है। लेकिन फिर भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और देश के कई दूसरे प्रदेशों में लिंग जाँच का काम बेरोक टोक चल रहा था। इंस्टीट्यूशनल लड़कियों के बच्ची को मारना अस्पताल में इज मोर डिफिकल्ट देन किलिंग हर जब दाई पैदा करवाती है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बिकेम कंपल्सरी। सेकंड, PCPNDT एक्ट में बहुत तगड़ी नजर रखा गया, आई वांट अ लला लली बोर्ड इन विच कितनी लड़कियां हैं इस गांव में और कितने लड़के। सरकार ने इस कानून को घर घर तक पहुंचाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर्स की मदद ली। ये महिलाएं खासतौर पर गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं को लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या कराने से रोकती हैं और साथ ही सही इलाज का जरिया भी बताती हैं। और इन आंगनवाड़ियों और आशा वर्कर्स को देख लगता है कि पिछले 4 साल में इनकी मेहनत सफल रही है।
साल 2014 में सोनीपत जिले में 1000 लड़कों पर सिर्फ 830 लड़कियां थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत के बाद साल 2015 में ये आंकड़ा बढ़ा, फिर साल 2016 में 902, 2017 में 937 और अप्रैल 2018 तक 947 लड़कियां हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि ये आंकड़ा कायम रहेगा या बढ़ेगा, लेकिन घटेगा नहीं। ये बदलाव बिना जमीनी हकीकत बदले नहीं हो सकता था, जिसमें गांव में काम करने वाली आंगनवाड़ी दीदियों की बड़ी भूमिका थी। अब ज्यादातर परिवार पढ़े लिखे हो गए हैं, अब सबकी सोच बदल गई है और बेटी हर जगह सर्विस करती है, किसी भी चीज में पीछे नहीं है। बेटी पाला बेटे पाछे देखा हम तो यो होना चाहिए देख, हाँ यह तो कहूँ ना कोशिश तो पूरी करे रहे हैं। बेटियां पहले कोख में मार दी जाती और अगर वहां बच जाए तो फिर पैदा होने के बाद। हालात ये कि लिंग अनुपात में असमानताएं चिंता बढ़ा देती, सरकार की भी और उनकी भी, जो पहले बेटों के लिए रोते और फिर उन्हीं बेटों के लिए बहू ना मिलने पर परेशान होते। बहरहाल सुकून इस बात का है कि हालात पहले के मुकाबले थोड़े सुधरे हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, सोनीपत।